नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस मौके पर नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। सूरत में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक बयान में कहा है कि सूरत से दिल्ली जा रहे इंडिगो की एक फ्लाइट को पक्षी से टकराने के बाद फौरन अहमदाबाद की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। यह फैसला किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए लिया गया था। हालांकि अहमदाबाद डाइवर्ट करने के बाद विमान वहां सुरक्षित उतर गया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। सत्र शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई मंत्रियों से विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी से मुलाकात की। सीएम नीतीश सहित अन्य नेताओं ने उन्हें गुलदस्ता देकर अभिनंदन भी किया। दरअसल परंपराओं के अनुसार सत्र शुरू होने से पहले पूर्व सीएम और अन्य मंत्री स्पीकर से मिलते हैं। बीते हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि शराब घोटाले में पूछताछ के वक्त उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। शराब नीति मामले में कल मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई महीनों से जांच चल रही थी। रविवार को सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और शाम 7 बजे खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को तानाशाही कहा है और रविवार को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जड़ों को मजबूत करने में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कितना सफल होंगे, आज मेघालय और नागालैंड में मतदाता इस पर मुहर लगा देंगे। वहीं बिहार से बाहर जदयू और राजद को विस्तार देने के लिए पहल करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। राजद और जदयू दोनों ने नागालैंड में चुनावी लड़ाई में उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में बिहार से बाहर अब भाजपा और महागठबंधन की टक्कर नागालैंड में भी देखने को मिलेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर रविवार को कहा है कि शक्तिशाली के सामने झुक जाना और कमजोर से लड़ना कायरता है और यह राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। उन्होंने पार्टी के 85वें महाधिवेशन के आखिरी दिन जयशंकर पर तीखा प्रहार किया। जयशंकर ने चीन को लेकर रक्षात्मक होने के विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए पिछले दिनों एक साक्षात्कार में कहा था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें यह समझना होगा कि वे हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। छपरा से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी एक कुशल पायलट भी हैं और इस काम में उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। वो अक्सर विमान उड़ाते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन इस बार जब वो दिल्ली से पटना के इंडिगो फ्लाइट उड़ा रहे थे तो उनके साथ फ्लाइट में सारण के डीएम भी मौजूद थे। जब इस बात की खबर मिली तो दोनों एक दूसरे से मिलने पहुंच गए। कांग्रेस का 3 दिनों तक चलने वाला 85वां अधिवेशन रविवार को खत्म हो गया। अधिवेशन के आखिरी दिन पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का जिक्र करते हुए उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर विचार करने का वादा किया है। इसके साथ साथ पार्टी ने आम बजट का एक हिस्सा इनके लिए निर्धारित करने और गरीब तबकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे में शामिल करने का भी वादा किया है। बिहार में ऐसे तो किसानी की चर्चा कम ही होती है, लेकिन इन दिनों लखीसराय के किसान दंपति की चर्चा खूब हो रही है। एमबीए की पढ़ाई पूरी कर पुणे में आईटी के क्षेत्र में नौकरी छोड़कर किसान बने अमित अंग्रेजी बोलने को लेकर सुर्खियों में। लखीसराय जिले के किसान अमित कुमार के हाल ही में पटना में आयोजित चतुर्थ कृषि रोडमैप कार्यक्रम के दौरान बार बार अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खफा हो गया और कहा कि ये इंग्लैंड नहीं, भारत है, बिहार है। इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से कई वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है और उसे धन की सख्त जरूरत है। इस बीच रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुल्लत को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक संकट के बीच पड़ोसी राज्य को बचाव कर सकते हैं। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करने के लिए हर समय सबसे अच्छा समय होता है, हमें अपने पड़ोसियों को व्यस्त रखने की जरूरत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान और दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है। हालांकि उन्होंने खालिस्तानी तत्वों से निपटने के लिए किसी ठोस रणनीति का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा है कि पंजाब पुलिस इस मुद्दे से निपटने में सक्षम है और केवल कुछ ही लोग पंजाब में इसका समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने के लिए आप पर भी निशाना साधा। हैदराबाद में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा उस देश यानी चीन के बारे में बोलते हैं जहां से राजीव गांधी फाउंडेशन ने चंदा लिया है। अब तक राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा स्वीकार किए गए चीनी चंदे पर कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने सवाल किया है कि जब चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था तो राहुल चीनी अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के लिए हर समय सभी नागरिकों और अन्य लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करना परम कर्तव्य है। खंडपीठ ने कहा है कि जहां कहीं भी कोई कानून अपने हाथों में लेता है आपराधिक कानूनों का प्रभाव कम होगा। जस्टिस केएम जोसेफ और बीबी
नागदत्ना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी हरियाणा के झज्जर कोर्ट में लंबित एक आपराधिक मामले को दिल्ली की अदालत में हस्तांतरित करने से पहल की है। कांग्रेस महाधिवेशन के जुड़े विज्ञापन में भारत के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो नहीं होने पर विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको लेकर कांग्रेस की क्लास लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस को माफी भी मांगनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस से जुड़े विज्ञापन में कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मौलाना आजाद की तस्वीर नहीं थी। इसी बात पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। हालांकि कांग्रेस ने इस घटना को गलती बताया और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया। NIA ने मुंबई पुलिस को ईमेल पर सतर्क रहने की जानकारी देते हुए कहा है कि मुंबई में खतरनाक व्यक्ति घूम रहा है। इस ईमेल के मिलने के बाद से जांच एजेंसी सतर्क हो गई है। NIA ने अपने ईमेल में खतरनाक शब्द का उल्लेख करते हुए मुंबई पुलिस को सतर्क होने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि NIA ने अपने ईमेल में संदिग्ध व्यक्ति का नाम सरफराज मेमन बताया और कहा यह कि मुंबई पहुंच गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि G20 की मुख्य चिंता वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने के तरीके खोजने की होगी। भारत की एक साल की G20 की अध्यक्षता पर रविवार को यहां आयोजित एक कार्यक्रम को जयशंकर ने संबोधित किया। जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को पेट्रोल मूल्य वृद्धि से राहत देने की हर संभव कोशिश की है और महंगाई कम करने के कदम उठाए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बारे में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक यानी NABFID के प्रमुख KV कामत ने कहा है कि वित्त वर्ष 2028-29 तक देश की बढ़ी हुई GDP में डिजिटल क्षेत्र का योगदान 25% तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। उस समय तक देश की अर्थव्यवस्था के $7,000 अरब पर पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल डिजिटल इकोनॉमी को योगदान 4% से कम है, जबकि चीन में यह 40% तक रहा है। साल 2019 से लेकर 2022 तक रेलवे से सफर करने वाले सीनियर यात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा घटोतरी देखी गई है। लगातार घटती हुई इस संख्या की वजह से इस कैटेगरी से होने वाले कमाई भी 90% से ज्यादा कम हो गए हैं। हाल में ही रेलवे ने यह फिर से तय किया है कि रेल यात्रा करने वाले सीनियर सिटीजन को किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बता दें कि कोरोना के पहले रेल यात्रियों को छूट दी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष के बजट में हमने गरीबों के घर के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमें हाउसिंग फॉर ऑल की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों की रिकॉर्ड संख्या के बाद अब डाक से प्रसाद मंगवाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। प्रसाद की डाक सेवा शुरू होने के 3 साल बाद बाबा के प्रसाद की मांग 3 गुना बढ़ गई है। इस साल अब तक 253 पैकेट प्रसाद स्पीड पोस्ट हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा में बंगाल ने फिर अव्वल स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय समिति द्वारा हाल ही में स्कूलों में बुनियादी शिक्षा और गणितीय साक्षरता पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट को पूरे भारत में शिक्षा के विकास का स्कोर कोड माना जाता है। उस रिपोर्ट कार्ड में पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण स्थान है। बंगाल को प्राथमिक शिक्षा में टॉप स्थान दिया गया है। 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे कुमार ने एक साक्षात्कार में अपने 4 साल के कार्यकाल को रोलर कोस्टर राइड बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यकाल में विमानन सुरक्षा में सुधार को लेकर कई कदम उठाए गए। इसमें इंजन की समस्या और स्पाइस जेट के मुद्दे भी शामिल थे। कुमार ने कहा है कि पहले के मुकाबले देश की विमानन सुरक्षा के निरीक्षण क्षमता में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में DGCA में लगभग 1,300 कर्मचारी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात रविवार को प्रसारित हुआ। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा के दुल्हेरी गांव के युवाओं की तारीफ के कसीदे पढ़े, जो उत्साह के बाद स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन युवाओं द्वारा दिखाए गए उत्साह और समर्पण ने स्वच्छ भारत अभियान का मतलब निश्चित तौर पर बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इन युवाओं ने भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में आदर्श बनाने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 1 साल बाकी है। उसके पहले रविवार के प्रमुख विपक्ष कांग्रेस के महाधिवेशन ने संकेत दिया है कि राहुल गांधी ही फिर से आगे बढ़कर पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला ही पार्टी की प्रमुख रणनीति होगी। वहीं हमले की लाइन उद्योगपति गौतम अडानी के साथ पीएम मोदी की कथित निकटता होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2019 के कार्ड को ही दोबारा चलाना चाह रही है। आप एक IT प्रोफेशनल है और विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपको जर्मनी में जॉब के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि जर्मनी भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए वहां पहुंचने का रास्ता आसान बनाने का प्लान बना रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्स ने खुद ये बात कही है। दरअसल जर्मनी IT सेक्टर में अच्छे स्किल्ड वर्किंग माइंड्स की कमी से जूझ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अच्छे IT वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसकी निगाहें भारत की ओर हैं। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम प्रणाली की कटु आलोचना करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा है कि हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे जज हैं जो अत्यधिक संदिग्ध हैं। उनके पास या तो विशेषज्ञता की कमी है या फिर ज्ञान की और सबसे बढ़कर प्रतिबद्धता की।
भारत के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से एक और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दवे कहते कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका प्रमुख का सामना करने से डरता है। अपने मवेशियों का पीछा करते हुए भारतीय सीमा में घुसे बांग्लादेशी किसानों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सीमा सुरक्षा बल के दो जवानों पर हमला किया और कथित तौर पर उनके हथियार छीन लिए। एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक घटना रानी ताला थाना क्षेत्र में निर्मलचर सीमा चौकी के पास उस समय हुई जब 35वीं बटालियन के दो जवान गश्त कर रहे थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने नई शराब नीति को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। आप समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सभी आप नेताओं पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तान में 26/11 और आतंकवाद पर दिए गए अपने बयान पर मशहूर लेखक व गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तानी नेताओं और सेना की पॉलिसी पूरे पाकिस्तान की सोच नहीं है। यह सबूत है क्योंकि पाकिस्तान में 3000 लोगों में भरे हॉल में जब मैंने अपनी बात कही तो खूब तालियां बजी। जावेद अख्तर रविवार को चंडीगढ़ सेक्टर 25 स्थित चितकारा स्कूल में आयोजित लिट फेस्ट में पहुंचे थे। यहां उनकी किताब मेरा पैगाम मोहब्बत है पर लेखिका निरुपमा दत्त के साथ एक चर्चा का आयोजन किया गया। रायपुर में कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की सभा को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी के लिए तू तराक की भाषा का इस्तेमाल किया है। रायपुर में खड़गे ने कहा है कि तेरी 56 इंच की छाती का क्या करे, लोगों को रोजगार दो। तुम्हारी छाती 1 इंच भी कम हुई तो फर्क नहीं पड़ता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, एमडी शाकिर हुसैन, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, नुन्नू गोलू कुमार, महमूद अंसारी, अंशुप्रिया और अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।